हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। ईएसआईसी, एमटीएस और यूडीसी में वेटिंग लिस्ट को लेके आप सभी कैंडिडेट्स बहुत परेशान हैं कि वेटिंग लिस्ट में क्या मुझे मौका आगे चल के मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आज मैं आपको एक सीधा साधा एग्जांपल लास्ट ईयर का मैं आपको बताता हूँ। जो यूडीसी का एग्जाम हुआ था उसमें फाइनल जो वेटिंग लिस्ट बनी थी उनमें कितने कैंडिडेट्स को मौका दिया गया था, और लगभग लगभग हर रीजन से 4 से 5 कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो फाइनल वेटिंग लिस्ट से लिए जाते हैं। तो ऐसे में आप बिल्कुल भी निराश मत होइएगा। अभी मैं आपको उसका सीधा साधा उदाहरण मैं दिखा देता हूँ। हुआ क्या है कि जब गुजरात रीजन में यूडीसी में आपका यूडीसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कंडक्ट हो रहा था, उस टाइम पे कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अटेंड नहीं किया था, और कई सारे ऐसे थे जिन्होंने फाइनली जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। और उसके बाद जब डिपार्टमेंट ने उनको टाइम दिया तो डिपार्टमेंट ने रिजर्व जो वेटिंग लिस्ट रखी हुई थी वहाँ से कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना चालू किया। और जैसा कि आपको मैं दिखा दूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फाइंडिंग प्लेस इन रिजर्व पैनल वेटिंग लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ यूडीसी ऑफ गुजरात रीजन, टोटल 28 कैंडिडेट्स को फाइनली शॉर्ट लिस्ट किया गया था। और नीचे लाइन लिखी हुई है, द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू अबाउट 28 कैंडिडेट्स आर बीइंग सेंट सेपरेटली। तो आप खुद ही देख सकते हो कि वेटिंग लिस्ट आपकी बनती है, और इस वेटिंग लिस्ट में लगभग लगभग जितने भी स्टूडेंट जो फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं वेटिंग लिस्ट में, उनको कहीं ना कहीं एक बार मौका मिलता है। क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बीच में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं जाते, या जॉब को क्विट कर देते, या अपॉइंटमेंट लेटर जो आता है उसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आप सभी स्टूडेंट्स को मौका मिलता है। तो मे बी आपको समझ में आ गया होगा जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। बाकी आप सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जरूर जाएं, यूडीसी में भी कंप्यूटर स्किल टेस्ट की अच्छे से प्रिपरेशन करें। बाकी जो भी ऐसा कुछ रहता है अपडेट वो मैं आपको इस चैनल पे बता रहा हूँ। ओके।